फर्जी हस्ताक्षर कर अपना नामांकन दाखिल करवाया। यूपी के कसगंज जिले के सोलरो इलाके से पंचायत प्रमुख का चुनाव जीतने वाली एसपी प्रत्याशी तनु यादव पर आरोप लगा है कि उन्होंने अमेरिका में रहते हुए अपना नामांकन दाखिल किया। यही वो महिला है जो यूपी कसगंज जिले के सोलरो इलाके से पंचायत चुनाव में भारी मतों से चुनाव जीता है। सत्ताधारी समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी तनु यादव ने 61% मतों के साथ जीत हासिल की है, लेकिन तनु यादव के चुनाव जीतने पर विवाद खड़ा हो गया है। आरोप है कि तनु यादव ने अपना नामांकन फर्जी तरीके से दाखिल करवाया है, जबकि वो खुद नामांकन के वक्त मौजूद नहीं थी। तनु के खिलाफ जो चुनाव लड़ने वाले शैलेश यादव के मुताबिक तनु अपने पति अभिषेक के साथ कई सालों से अमेरिका में रहती है और उन्होंने अमेरिका की नागरिकता भी मिली हुई है। उन्होंने फर्जी तरीके से नामांकन दाखिल करवाया। राजधानी एक्सप्रेस में ब्लेड वाला खाना। बताया जा रहा है कि राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन में एक यात्री के खाने में ब्लेड मिला। दीबूगढ़ में राजधानी एक्सप्रेस में एक यात्री ने सुबह के लिए लंच ऑर्डर किया था, पर उसके लंच में एक ब्लेड का टुकड़ा मिला, जिससे यात्रियों में बवाल मच गया। आप देख सकते हैं किस तरह यात्री के खाने में ब्लेड मिला है। ये सवाल रेल प्रशासन पर उठ रही है। ये घटना पहले भी हो चुकी है जिसमें खाने में कीड़ा मिला था। स्कूल में तेंदुए ने मचाया हड़कंप। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु की ये घटना कुंदन हाली नाम के स्कूल में है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु की ये घटना कुंदन हाली नाम के स्कूल में एक तेंदुआ घुस गया। तेंदुए के स्कूल में घुसने से स्कूल में दहशत मच गया। तेंदुए के नज़र आते ही लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। तेंदुए को काबू करने के लिए गोलियां चली, लेकिन तेंदुआ इधर से उधर भाग रहा था। सीसीटीवी में तेंदुए की तस्वीरें कैद हुई। इसमें 4 लोग घायल हो गए। इसमें से एक शख्स गंभीर रूप से घायल है और बाद में वन विभाग और पुलिस ने किसी तरह तेंदुए को जंगल में छोड़ दिया। वन विभाग का कहना है कि वो तेंदुआ जंगल से भटकते भटकते आया था। इससे पहले भी सन 2012 में भी तेंदुआ आया था। एक वेल्डर के बेटे को मिला 1 करोड़ से ज़्यादा का सालाना पैकेज। गौरव वात्सल्य को आईटी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने 1 करोड़ से भी ज़्यादा सालाना तनख्वाह पर अपने साथ जोड़ लिया। गौरव वात्सल्य, जो कि एक वेल्डर का बेटा है जिसने पढ़ाई एक सरकारी स्कूल से की और स्कॉलरशिप की मदद से बीटेक किया और आज एक बड़ा मुकाम हासिल कर लिया है। गौरव की ये कहानी तमाम लोगों के लिए एक प्रेरणा बन गई है, जिन्हें सुविधाएं और संसाधन नहीं मिलते पर जज्बे और जुनून के बल पर वो आगे बढ़ ही जाते हैं। सितारों के साथ 6th edition ऑफ नेशनल ज्वेलरी अवार्ड मनाया गया। सरोज की जेम्सटोन ने 6th edition नेशनल ज्वेलरी अवार्ड 2015-16 प्रेजेंट किया। ऑल इंडिया जेम्स एंड ज्वेलरी ट्रेड फेडरेशन के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया, जहां बॉलीवुड के सेलिब्रिटी मनीष पॉल शो होस्ट के रूप में नजर आए। अपने कॉमेडी हुनर और होस्टिंग स्टाइल से सभी का दिल जीत लिया और शो में और धमाका करने और आग लगाने। कोरियोग्राफर लॉरेन गोटिलेब ने मेरा नाम मैरी है ब्रदर्स फिल्म्स के सॉन्ग पे ठुमके और डांस परफॉर्मेंस किया। इतना ही नहीं, शो में एक्ट्रेस अमीषा पटेल, आयशा टाकी और श्रिया सारेन ने डिजाइनर चना कोचार के डिजाइन किए गए कॉस्ट्यूम पे रैम्प वॉक किया। ऐसा लग रहा था कि जैसे चांद ने अपनी चांदनी आज के शो को दे दी हो। वहीं दूसरी तरफ बॉलीवुड एक्ट्रेस ईशा देओल अपने हस्बैंड भरत तख्तानी के साथ शो पे नजर आई और ड्रीम्स गर्ल हेमा मालिनी भी शो को एंड करते हुए नजर आई। ये 6th नेशनल ज्वेलरी अवार्ड्स है। ये जो अवार्ड्स है, जो हमारा जो इंडस्ट्री है, हैंडक्राफ्टेड इंडस्ट्री है, 2000 साल का पुराना इंडस्ट्री है। ये जो इंडस्ट्री अभी का सर्कमस्टेंसेस में बहुत पीछे चला जा रहा है, उसको टैलेंट कवर हो रहा है। इस अवार्ड्स का कारण हम पूरा जो टैलेंट को स्टूडेंट्स का, सबका, क्रिएटर का, डिज़ाइनर का, मैन्युफैक्चरर का, सबका टैलेंट बाहर ले आ रहा है। उसका दिल में जो भी है वो बाहर ले को आ रहा है। मुमताज़ ज़वेरी, इंडिया लाइव न्यूज़, मुंबई।